गर्लफ्रेंड को परेशान करने वाले युवक को बॉयफ्रेंड ने अपने साथी के साथ गला घोटकर यमुना में फेंका। डीसीपी आरपी मीना ने बताया कि गर्लफ्रेंड को परेशान करने वाले युवक को बॉयफ्रेंड ने अपने साथी के साथ गला घोटकर डीएनडी फ्लाईओवर के पास यमुना में फेंका। मैं हूं नाज़रीन परवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल सूरज की रोशनी। पेश है कैमरा पर्सन अनमोल के साथ रिजवान खान की यह रिपोर्ट। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड को परेशान करने वाले युवक को बॉयफ्रेंड ने अपने साथी के साथ गला घोटकर यमुना में फेंका। डीसीपी आरपी मीना ने बताया कि इस घटना के दौरान दिल्ली पुलिस में तैनात महिला पुलिसकर्मी एसआई रेखा अपने सहकर्मी एएसआई किशन पाल सिंह एवं कांस्टेबल नरेंद्र के साथ आश्रम की ओर से न्यू अशोकनगर थाने की तरफ जा रही थी। इस बीच उनकी नज़र यमुना नदी की ओर पड़ी, जहां पर दो व्यक्ति यमुना नदी में कुछ फेंक रहे थे। जब एसआई रेखा और एएसआई किशन पाल सिंह दोनों व्यक्ति की ओर जाने लगे, तभी वह दोनों अपनी कार में बैठकर भाग निकले। इस बीच एएसआई किशन पाल सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र व एसआई रेखा ने उनका पीछा किया, लेकिन वह दोनों युवक भागने में कामयाब हो गए। इस दौरान उनका नंबर नोट कर घायल युवक को यमुना नदी से निकालकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन घायल युवक को शुक्रवार देर शाम दिनांक 29/5/2020 को हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। सीताराम पांडे। अच्छा, जो अभी हादसा हुआ, उस हादसे के बारे में आपको कैसे जानकारी हुई है? हमें पुलिस के मार्फत जानकारी हुई। जी जी। तो जो अभी एडमिट है अस्पताल के अंदर, जी, उनका नाम क्या है? गोविंद पांडे। मकसद क्या था केस में? उसका मकसद से उनके साथ मतलब सर, इतना अभी मेरे को कोई ऐसी उनके बारे में मकसद की जानकारी नहीं है। तो उसकी जानकारी किस प्रकार आपको मिली? मैं मतलब पुलिस वाले मतलब जैसे बताया, और यहाँ पे डॉक्टर साहब से मिलने के बाद जिन्होंने जैसे मेरे को बताया जो आपकी भाई की ऐसी गला दबा के मार के पानी में फेंक दिया गया। जी। तो यहाँ पे पुलिस वाले ने एडमिट करवाए हैं और उनकी इलाज चल रही है, हालत गंभीर है। तो उनका नाम क्या जो एडमिट है इस वक्त? गोविंद पांडे। गोविंद पांडे क्या करते हैं वो? सर पहले किसी के उनका कोई दोस्त था, उसके साथ मतलब दोनों पार्टनरी में काम करता था, पैकिंग टेप का। टेप का पैकिंग जो टेप होता है ना। जी। उसका जहाँ तक मुझे पता था। जी जी। और फिर इसके बाद उन्होंने काम बंद हो गया, चला नहीं उनकी बिजनेस, तो फिर बैठा था, लॉकडाउन लगा हुआ था। इसके बाद बैठा था जिनके मकान में रहते थे वो, उन्होंने उसको नौकरी लगवाया था। तो भाई पे वो नौकरी करता था। तो जिन्होंने हत्या करने की कोशिश करी, क्या उनके पार्टनर है या कोई और? अभी तक मैं उनका चेहरा नहीं देखा हूँ, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो उनके बारे में जरा से भी मालूम हो पता चला है आपको कि वो कौन है, उनके साथ के थे या बाहरी थे? मेरे को देखो एक्चुअली मतलब मैंने उनको देखा भी नहीं है जिसके साथ, एक बार मैंने देखा था तो उस चेहरा से शायद मैं पहचान लूँ ये ही है कोई और है। क्या नाम है सर आपका? एडवोकेट संजीव कुमार। जो अभी केस जो आपको पता चला कि वारदात हुई है, उसके पीछे क्या मकसद है और के इतने लोग हैं? एक्चुअली अभी जो हमारे केस आईओ हैं उनके हिसाब से मुझे पता चला है, दो एक्यूज है जो ऑलरेडी पुलिस के रिमांड पे है, और इसके बाद अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जो किस वजह से इसको इस तरह का हेनियस क्राइम किया है दोनों एक्यूज ने। फिलहाल विक्टिम अभी और सीरियस हालत में है। तो सर ये इसके पीछे भी कारण तो पता नहीं चल पाया, मगर ये तो पता चला होगा कि जो हत्या करने की जिन्होंने कोशिश करी है वो इनके दोस्त यार में थे या आउटर कोई था? नहीं, एक्चुअली ये सारी चीज जानकारी जो है ना इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, यहाँ तक इनके दोस्त थे या इनके साथी थे या क्या था वो तो अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि आइडेंटिफाई अभी पुलिस वाले जो है ना रंगे हाथे उसको फ्लो करके पकड़े में आ गया है, उससे पता चल रहा है तो दोनों लोग को अभी जेल के अंदर है, तो फिर इंसाफ गोविंद कुमार पांडे को मिल जाएगा। ठीक है। गोविंद के साथ जो मामला हुआ है और उसको अस्पताल में आप लोग के स्टाफ ने आप लोगों ने एडमिट कराया, वो पूरा मामला क्या था जरा विस्तार से बताएंगे आप? हम अपने न्यू अशोकनगर के केस में सनलाइट कॉलोनी से दिन इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो यमुना नदी के ऊपर जो डीएनडी फ्लाईओवर है उसको पार करते हुए न्यू अशोकनगर हम जा रहे थे। तो जब डीएनडी फ्लाईओवर पर जब हम पहुंचे तो मैं मेरे साथ में ड्राइविंग सीट पर एएसआई केपी सिंह साहब थे, वो ड्राइविंग कर रहे थे, मैं उनकी साइड वाली सीट पर बैठी थी और कांस्टेबल नरेंद्र हमारे पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। तो मैंने मेरी नज़र, क्योंकि करीब धूप का टाइम था, 3:30-4 बजे के आसपास के बीच की बात है, तो धूप का टाइम था, मेरी नज़र इधर पड़ गई क्योंकि सुन खाली इलाका आया डीएनडी पर चढ़े, तो मेरी नज़र लेफ्ट साइड में घूमी तो मैंने देखा कि यमुना किनारे कच्चे रास्ते पर एक गाड़ी खड़ी है जो दूर से मुझे दिखा कि सफ़ेद रंग की है, सफ़ेद से रंग की है ऐसे मुझे दिखाई दिया, दूर वो खड़ी है।
तो मैंने ऐसे सोचा कि ये गाड़ी क्यों खड़ी है इतनी दोपहर में यहाँ पर, इतना टाइम है, कोई मैंने देखा दूसरे देखा कि कोई मूवमेंट भी नहीं हो रही, कोई आ जा भी नहीं रहा। तो मेरी नज़र उसी गाड़ी पे जम गई। तो हम चल रहे हैं, हमारी गाड़ी चल रही है, मैंने अभी तक ये बात किसी अपने साथी को नहीं बताई है, मैं अपना आप ही सोच रही हूँ, मैंने अपना आप ही देख, मैं मतलब मेरी नज़र जम गई। तो इतने में हम क्रॉस कर रहे हैं, हम चल रहे हैं और मैं देखती हूँ कि गाड़ी में से दो लोग उतरते हैं और उन्होंने गाड़ी में से कुछ फेंका, दोनों ने गाड़ी में से पानी में कुछ फेंका। तो ये जैसे ही ये बात हुई, मैंने ये बात अपने दोनों साथियों को बताई कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी, हमने उतर के देखा, बट इतने में हमने उतर के देखा तो वो गाड़ी भाग चुकी थी यहाँ से, एकदम से फरार थी। हमने देखा कि धूल भी उड़ी, गाड़ी भी यहाँ से भाग चुकी है। तो फिर हमने भी तुरंत ऐसा किया कि हमें सेम उसी डायरेक्शन में जाना था, बस ये था कि हम डीएनडी के ऊपर थे, वो नीचे कच्चे रास्ते पर थे, सेम पैरेलल ही एक ही डायरेक्शन में हम लोग, वो भी गाड़ी जा रही थी, हम लोग भी गाड़ी जा रहे थे, और उनकी गाड़ी को देखते हुए हम लोग ने भी अपनी जो भी हम गाड़ी ले रहे थे हमने उसको भगाया। तो हमने उस गाड़ी को बिल्कुल एक कुछ सेकंड पहले ही, थोड़ा सा हम उससे पहले पहुंचे कि वो हमारे सामने से गुजर गई। तो जैसे ही वो गुजरी तो हमने उसका नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमें उन पर डाउट हो गया तो हमने उसका नंबर नोट किया, और थोड़ा सा हल्का आगे जाके वो गाड़ी रुकी तो हमारा डाउट और हो गया कि ये जरूर कुछ करके आए हैं। तो हमने उनको फॉलो किया, पीछे किया, लेकिन उनके पास जो हमें जब पूरा पता चला कि XUV 500 उनके पास गाड़ी थी, हमने उनको पूरा फॉलो किया आश्रम महारानी बाग तक, हमने उनको पीछा भी किया, बट हैवी बड़ी गाड़ी होने की वजह से वो क्रॉस कर चुके, भाग चुके थे। फिर हमने वापस आके देखा कि हम चलो एक बार, हमने तीनों ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं वहाँ पर, देखते कि आखिर क्या है, कुछ क्या है क्या नहीं है, क्या फेंका इन्होंने। हम लोग फिर वापस इसी जगह आए तो हमने देखा कि एक लड़का बिल्कुल जमुना किनारे पानी के अंदर किनारे पे एकदम पड़ा हुआ है, उसका सिर थोड़ा सा किनारे पर है, नीचे की तरफ ये पानी में ही है, गीली मिट्टी में पानी में ही है, और बाकी शरीर उसका पानी, पैर जो है उसके पानी की तरफ है। तो हम लोगों ने फिर जो ऐसे राह गुजरा जी सब्जी वब्जी बेचने वाले लड़के, छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे रिक्शा लेकर, हमने उनकी मदद से उसको बाहर निकाला, उस बच्चे को, जब उस लड़के को, जब तक हमने सीनियर स्टाफ को बताया सारे हालात बताए कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन लोगों ने फिर जो ये मही विहार का इलाका लगता है तो मही विहार की पुलिस आई, जब तक वो पुलिस आई तो हमने उस लड़के को निकाल कर रिक्शा में बिठा कर, जब तक हमने कही चलो भाई इसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, हो सकता है अभी इसमें सांस बाकी है, वो क्योंकि वो हिल रहा था, झटपट आ रहा था, वो उसके हाथ में मूवमेंट हो रही थी लेकिन अनकॉन्शियस था, बोल नहीं पा रहा था कुछ भी, आंखें बंद थी उसकी, लेकिन मूवमेंट झटपट आ रहा था। तो हमें कि इसमें जान है अभी, तो सबसे पहले हमने उसको एलवीएस पहुंचाने का जो भी है प्रबंध किया, उसको जितने रास्ते तक हो सका हमने, थोड़ी सी दूरी तक ही हम लेके गए थे उसको रिक्शा में बिठा के, तो इतने में मेरी बिहार की गाड़ी आई, स्टाफ की गाड़ी है, तो उसके थ्रू फिर हमने उनको एलबीएस हॉस्पिटल पहुंचाया। तो क्या उसके साथ उसकी बॉडी पे कोई चोट वगैरह था या वैसे नहीं, कुछ देखने से हमें फिलहाल उस समय कोई चोट के निशान नजर नहीं आए, गर्दन पे हल्का सा निशान था जो लग रहा था गर्दन दबाई हुई हो, बाकी ऐसा कोई ब्लड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, हल्के से झाग मुंह से आ रहे थे, तो जो लगता है कि गर्दन, हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसको। जी सर, जैसा कि मैडम ने बताया कुछ इसी तरीके से वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी थी और आप उसके पीछे लगे थे, कुछ इस प्रकार के मामला क्या बताएंगे अभी सर? पीछे लगने के बाद हमने उसका गाड़ी का नंबर नोट किया, गाड़ी का नंबर नोट करके उसकी ओनरशिप निकाल के हमने सीनियर ऑफिसर्स को दी, और उसके बाद ये थाना सनलाइट कॉलोनी में केस रजिस्टर्ड हुआ है, वहाँ से इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दोनों मुलजिमों को जिन्होंने ये फेंका था लड़के को अरेस्ट कर लिया है और वो गाड़ी भी रिकवर कर ली है, और कोर्ट से 2 या 3 दिन के शायद वो पीसी रिमांड पर हैं इस समय। तो सर वो जो गाड़ी थी रजिस्टर्ड थी वो कहाँ की थी, दिल्ली की थी या आसपास? वो हरियाणा के एड्रेस पर थी, कैथल डिस्ट्रिक्ट के एड्रेस पर रजिस्टर्ड थी। जो वारदात में शामिल थे उनका नाम वगैरह कुछ बताएंगे सर? वो सारी डिटेल आपको सनलाइट कॉलोनी से ही मिल पाएगी। वहीं पुलिस ने वाहन नंबर के आधार पर कार मालिक का पता किया, यह कार कैथल में पंजीकृत है। पुलिस मोबाइल फोन पर CDR के जरिए DDA कॉलोनी दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में पहुंची और सुमित कंसल व मोहित को दबोचा। सुमित ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसका दोस्त गोविंद परेशान कर रहा था, बदला लेने के लिए उसने अपने रिश्तेदार मोहित के साथ मिलकर उसे मारने की योजना बनाई। 15,000 रुपए मोहित को दिए, वे युवक के साथ लेकर कार में आए और गर्दन दबा दी, बेहोश होने पर यमुना नदी में फेंक दिया।